तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर और आईपीएल 2024 की एक और धमाकेदार स्पेशल ताबड़तोड़ वीडियो में। तो दोस्तों कहते हैं ना कि चाहे सैलाब भी आ जाए लेकिन देश का नाम नहीं झुकने देंगे, और कोई सा भी कार्य हो और विशेष रूप से खेल जैसी चीज़ों में जो है देश को सबसे पहली प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। और इसी विषय में आईपीएल 2024 में ऐसे 5 बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल 2024 जो है जस्ट बिकॉज ऑफ टी20 वर्ल्ड कप के कारण मिस करने वाले हैं। तो कौन से 5 बड़े नाम है, क्या रीज़न है और क्या पूरी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिए और आपको जो है बहुत ही जेन्युइन रीजन के साथ जो है समझाने वाला हूँ। तो इंटरेस्टिंग वीडियो तो है ही, आपको कुछ भी नहीं करना है, आईपीएल 2024 का इंतजार कर रहे हो, नीचे लाइक के बटन पर आपका इंतजार दिखाइए, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना, शुरू करते हैं फटाफट। तो ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते, शुरुआत करते हैं सबसे पहला नाम जो कि निकल कर आ रहा है पैट कमिंस का। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पैट कमिंस का पिछले 2-3 सालों से जो है आईपीएल का बिहेवियर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का आईपीएल भी जो है पैट कमिंस मिस करने वाले हैं ड्यू टू टी20 वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा एग्जांपल 2023 में जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चलते जो है पैट कमिंस ने आईपीएल को मिस कर दिया गया था और रिजल्ट आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है आसानी से जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठा ली गई थी और मेरे हिसाब से अब टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मद्देनजर मेरे हिसाब से जो है पैट कमिंस मिस करने वाले हैं और पिछले 2-3 सालों से जो है आईपीएल को धोखा दे रहे हैं और इतना कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं आता इनका। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला नाम जो कि इसमें कोई डाउट नहीं है पैट कमिंस जो है मिस करने वाले, आपको क्या लगता है गाइस बता सकते हो। दोस्तों दूसरा नाम जो कि शॉकिंग नाम निकल कर आ रहा है वो है जॉस बटलर का। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्रमुख ओपनर जॉस बटलर कम से कम जो है आधा फेस आईपीएल 2024 का मिस करने वाले, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड की टीम के व्हाइट बॉल के कैप्टन है जॉस बटलर और हाल फिलहाल में जो है टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी भी उठाई थी इन्होंने। तो इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है डिफेंड किया जाए, डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड की टीम, और मेरे हिसाब से कम जॉस बटलर जो है आधा आईपीएल मिस करने वाले है ड्यू टू टी20 वर्ल्ड कप 2024 और 5 जून से ही शुरुआत होने वाली है। तो ईसीबी चाहेगी कि जॉस बटलर को जो है मतलब अच्छी तरीके से रेडी किया जाए और मेरे हिसाब से जॉस बटलर भी आपको जो है आधे आईपीएल में कम से कम नहीं दिख सकते। आप मेरी बात से सहमत हो या फिर नहीं बता सकते हो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों तीसरा नाम जो कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे वो है केन विलियमसन का। जी हां दोस्तों, केन विलियमसन चाहते तो पूरा आईपीएल खेल सकते थे लेकिन अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ही विल बी ऑल्सो स्किप आईपीएल 2024 ड्यू टू टी20 वर्ल्ड कप 2024 सिचुएशन। और मेरे हिसाब से अब 2023 में जिस तरह से वो इंजर्ड हुए थे पहले ही मैच में आईपीएल के और 2023 का वर्ल्ड कप मिस करने वाले हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है केन विलियमसन अब जो है 2024 के टी20 वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं और मेरे हिसाब से अब ये भी जो है आईपीएल 2024 को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि एक बड़ा टूर्नामेंट जो है आईपीएल की इंजरी के चलते वो मिस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप में जो है मतलब बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है और केन विलियमसन भी टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जो है आईपीएल 2024 मिस करने वाले। और नंबर 4 पर जो है जिसका नाम निकल कर आ रहा है जो कि आप सभी को भी पता चल गया होगा वो है बेन स्टोक्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जो है बेन स्टोक्स पर जो है 16.25 करोड़ की एक बड़ी रकम लगाकर जो है अपनी टीम में शामिल किया गया था और बेन स्टोक्स ने जो है मतलब भाई साहब अभी से ही कन्फर्म्ड कर दिया गया है कि वो आईपीएल 2024 के लिए जो है अनअवेलेबल रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में जो है इन्होंने ओडीआई क्रिकेट को जो है मतलब बाय बाय संन्यास ले लिया गया था, लेकिन अब ओडीआई क्रिकेट से जो है वापस से मतलब रिटर्न कर लिया गया है और मेरे हिसाब से अब बेन स्टोक्स भी जो है आईपीएल 2024 को मिस करने वाले हैं। मतलब 99.9% ये कन्फर्म्ड न्यूज़ है कि बेन स्टोक्स जो है आईपीएल को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है इनको रिलीज करने वाली है। 16.25 बहुत बड़ी रकम होती है और आपको क्या लगता है गाइस आप भी फटाफट से बता सकते हो। तो पांचवा नाम जो कि निकल कर आ रहा है वो है मिचेल मार्श। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक मिचेल मार्श भी जो है 2024 के आईपीएल को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। अब वो भी फर्स्ट हाफ जो है खेल सकते हैं, सेकेंड हाफ को जो है मिस कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि अब वो टी20आई कैप्टन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के। अभी हाल फिलहाल में मतलब सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन हुए होंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन बहुत ही शानदार रहा है और मिचेल मार्श को जो है उन्होंने टी20आई कैप्टन बना दिया गया है। पैट कमिंस पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते जो है टी20आई कैप्टन जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के बन चुके हैं।
और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन है, बहुत ही जरूरी है। और मेरे हिसाब से जो है मिचेल मार्श भी सेट टू मिस IPL 2024। अब आपको क्या लगता है गाइस, इन पांच खिलाड़ियों में से कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, फटाफट से बता सकते हो, और जेन्युइन रीजन के साथ मैंने आपको ये वीडियो बताई, हवा में बात करने का काम नहीं है हमारा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बहुत सारी अपडेट्स आने वाली IPL 2024 को लेकर, एक्सक्लूसिव अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।